टैंक लॉरी खाली करने की प्रक्रिया। रिटेल आउटलेट में आग लगने का सबसे खराब समय तब होता है जब टैंक लॉरी भूमिगत भंडारण टैंक में उत्पाद का डिस्चार्ज कर रही होती है। निम्नलिखित सुरक्षा प्रथाएं उत्पाद को टैंक लॉरी से अनलोड करते वक्त अपनाए जाने चाहिए। रिटेल आउटलेट में प्रवेश होने से पहले जहां तक हो सके उत्पाद को दिन के समय ही खाली करने की योजना बनानी चाहिए। डिकैंटेशन घेराबंदी क्षेत्र में मोबाइल फोन की अनुमति नहीं है, केवल आंतरिक सुरक्षित रेडियो का उपयोग करने की अनुमति है। समय समय पर अर्थ प्रतिरोधी माप किया जाना चाहिए और रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए। अर्थिंग सिस्टम की अर्थिंग रेजिस्टेंस वैल्यू अर्थ के सामान्य द्रव्यमान 4 ओम से कम होना चाहिए। अनलोडिंग ऑपरेशन के लिए सिर्फ प्रशिक्षित ऑपरेटर ही तैनात किया जाना चाहिए। सुनिश्चित करें कि उचित उत्पाद को उचित टैंक में डाला जाए। ऑपरेशन के पहले सुनिश्चित करें कि भरे जाने वाले टैंक में पर्याप्त बंधन जगह हो, जिससे ओवरफ्लो होने या उत्पाद बाहर फैलने का खतरा ना हो। डिकेंटेशन क्षेत्र की घेराबंदी करें, क्योंकि इस डिकेंटेशन क्रिया के दौरान आग लगने या विस्फोट होने का खतरा होता है। सुनिश्चित करें कि उचित प्रकार के साइन प्रदर्शित किए हों, जैसे खतरा, दूरी बनाए रखें। टैंक लॉरी डिकेंटेशन प्रक्रिया में है, सिर्फ अधिकृत व्यक्ति प्रवेश करे। धूम्रपान या खुली लपटें वर्जित। मोबाइल फोन का प्रयोग निषेध। आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण करें। सुनिश्चित करें कि डिकेंटेशन पॉइंट के आसपास कोई खुली एलटी वायर या केबल ना हो। टैंक क्षेत्र के आसपास फ्लेम प्रूफ जंक्शन बॉक्स होने चाहिए। सुनिश्चित करें कि वेंट पीवी वॉल्व काम कर रहा है और डिप कैप बंद है। सुनिश्चित करें कि सभी इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स अच्छी स्थिति में हो और कैबिन में कोई भी ढीले बैटरी टर्मिनल या बिजली के तार ना हो। स्पार्क अरेस्टर की जांच करें। अग्निशामक यंत्र उपलब्ध होने चाहिए और वो अच्छी स्थिति में होने चाहिए। सुनिश्चित करें कि ड्राइवर वैध कागजात जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, ट्रेम कार्ड और इंस्ट्रक्शन बुकलेट लेकर चल रहा हो। सुनिश्चित करें कि ड्राइवर कैबिन के अंदर धूम्रपान ना करें, अगरबत्ती ना जलाएं या कैसेट प्लेयर ना चलाएं। ड्राइवर को सुझाव दें कि वो रिटेल पंप आउटलेट क्षेत्र में वाहन 5-8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलाएं। टैंक लॉरी को अनलोड करने से पहले जहां तक हो सके टैंक लॉरी को भूमिगत स्टोरेज टैंक के पास ड्राइव आउट पोजीशन में रखें। इंजन बंद करें, मास्टर स्विच बंद करें, इंजन को न्यूट्रल में करें, हैंड ब्रेक खींचें, लकड़ी के चौक लगाकर टायर को सुरक्षित करें, अग्निशामक यंत्र को निकालें और उसे वॉल्व मैनिफोल्ड के पास रखें, दोनों सिरों पर तांबे के तारों को हेवी ड्यूटी क्रोकोडाइल क्लैंप की सहायता से निर्धारित बिना पेंट पॉइंट पर टी या एल और अर्थ पॉइंट पर क्लिप करें। टैंक लॉरी डिकेंटेशन पॉइंट के लिए प्रदान किए गए अर्थिंग पॉइंट के साथ अर्थिंग वायर क्लिप लगाएं। चेक करें कि वेंट पाइप का वायर मेश भरा ना हो और वेंट के अंदर का वायर गेज अच्छी स्थिति में हो। डिकेंटेशन के दौरान पीवी वॉल्व से ध्वनि, शोर या वॉश बाहर आ रहा है। सुनिश्चित करें कि आसपास सूखे पेड़ पौधे, तेल वाले कपड़े या कोई भी आग लगने का सामान टैंक फॉर्म क्षेत्र में ना हो। टैंक लॉरी अनलोड करने के लिए पीवीसी होस पाइप का इस्तेमाल ना करें। बिना धातु के मोड़ के दोनों तरफ पर कपलिंग के साथ विद्युत निरंतरता वाले केवल मानक रबर होस का उपयोग करें। टैंक लॉरी को अनलोड करते वक्त भूमिगत स्टोरेज टैंक की डिप कैप को जल्दी डिकेंटेशन के लिए खुला ना रखें। इसकी वजह से जमीनी स्तर पर भाप का संग्रह होगा, जो कि आग का या स्वास्थ्य के लिए खतरा बन सकती है। डिप लेते वक्त, अनलोडिंग के दौरान या टैंक लॉरी के अनलोडिंग के पूरा होने के 1 मिनट तक डिप रॉड को लिक्विड लेवल से पूरा बाहर ना निकालें।
ऊंचाई पर डिप चेक करने के लिए हेलमेट का इस्तेमाल करें। जांच करने के बाद डिप कैप को बंद कर दें। सुनिश्चित करें कि डीकैंटेशन क्षेत्र में कोई खुले तार नहीं है या चालू लाइन नहीं है। ऑयल डिप के साथ साथ डिप वाटर की जांच करना अनिवार्य है। वाटर फाइंडिंग पेस्ट का उपयोग करके टैंक लॉरी में पानी की उपस्थिति की जांच करें। अगर पानी टैंक लॉरी में उपलब्ध है तो आरओ प्रबंधक उपयुक्त कार्रवाई करेंगे। सैंपलिंग ऑपरेशन के दौरान सिर्फ धातु की बाल्टी, धातु की फनल इस्तेमाल करें और ध्यान रखें कि टैंक लॉरी और बाल्टी के बीच उचित बॉन्डिंग बनी रहे। टैंक लॉरी से सैंपल लेते समय पीवीसी फनल और बाल्टी का उपयोग न करें। सैंपल बॉक्स को विधिवत रूप से सील बंद तथा हस्ताक्षर करें और उसे आगे सौंपने के लिए सही और सुरक्षित स्थान पर रखें। हेल्पर को कंट्रोल वॉल्व के पास बना रहना चाहिए, जिससे कि ओवरफ्लो से बचने, टैंक लॉरी को हटाने के लिए या किसी आपातकालीन स्थिति में वो वॉल्व को तुरंत बंद कर सके। आरओ की शर्तों के अनुसार बिक्री को रोकें ताकि प्रवेश निकासी रुक सके। रिटेल आउटलेट क्षेत्र में बैटरी टर्मिनल्स को कसने का काम करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। कुछ भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को नीचे गिरने से बचाएं। कुछ गिरा हो तो उसे तुरंत साफ करें। उत्पाद को एल्यूमिनियम की बाल्टी में इकट्ठा करें। अगर कहीं भी रिसाव हो या डिस्चार्ज जॉइंट से कुछ टपक रहा हो, अन्यथा उत्पाद के फैलाव को फर्श पर एकत्र करने से संभावित आग खतरा हो सकता है। जो भी व्यक्ति अनलोडिंग करने का जिम्मेदार हो, उसको हमेशा पास ही रहना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि सुरक्षित अनलोडिंग ऑपरेशन हो रहा है। सभी वॉल्व और टैंक लॉरी के ऊपर के मैनहोल कवर केस बंद किए जाने चाहिए। क्या करें और क्या ना करें? सुरक्षा पहले है, सुरक्षा जरूरी है।